क्योंकि नेटवर्क जिसके पास है उसका 2021 है दोस्तों, ये मान के चलिए। जिसके पास नेटवर्क नहीं है, सर्किल नहीं है, वो बिजनेस आज की इस 21वीं सदी में नहीं कर पाएगा दोस्तों। नेटवर्क की इस 21वीं सदी में बहुत बड़ी अहमियत है दोस्तों, क्योंकि जिसके पास नेटवर्क नहीं है, सर्किल नहीं है, व्यापार करना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है दोस्तों। कारण उसका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तीन शब्द हैं, ये तीनों शब्दों को कहाँ जोड़ना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन तीन शब्दों का चयन आपने अपने जीवन में सही से कर लिया ना, तो आपका इमेज, नेटवर्क, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये जितने भी बड़े मैं आपको राजनीतिक हस्तियों के ये चीज़ों की बातें की है ना, इनके तीन शब्द बहुत बड़े हैं। ये पूरे दिन अपने जीवन में वो चीज़ यूज करते हैं, जो जमीन पे दौड़ता है ना दोस्तों, वो ही आगे बढ़ता है, ये मान के चलना दोस्तों। एक एरोप्लेन भी दौड़ती है ना, पहले जमीन पे 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, फिर हवा में उड़ती है, ये मान के चलो दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों। एक बार फिर श्री सांवलिया सिल्क मिल से आपका अपना अजीत भाई दोस्तों, एक बार फिर सूरत से अपन जुड़ रहे हैं दोस्तों फ्राइडे के दिन। दोस्तों आज अपन बात करेंगे, क्या नेटवर्क से व्यापार बढ़ता है? नेटवर्क से व्यापार बढ़ता है तो नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, ये दो सब्जेक्ट है दोस्तों। नेटवर्क बनता कैसे है और नेटवर्क से क्या व्यापार बढ़ता है, इन दो सब्जेक्ट पे आज बात करने वाला हूँ। वीडियो 10 मिनट का होगा दोस्तों, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तह तक पहुँचूँ दोस्तों। नेटवर्क का मतलब होता है, नेटवर्क की वजह से आज मुकेश अंबानी उस लेवल पे है। अगर नेटवर्क, लोगों का सर्किल उसके पास नहीं होता तो आज वो उस लेवल पे नहीं होता। नेटवर्क अगर टाटा जी के पास नहीं होता तो वो रतन टाटा वहाँ नहीं होते। नेटवर्क अगर बाबा रामदेव के पास नहीं होता तो आज वो बिजनेस नहीं कर पाता। नेटवर्क अगर मोदी जी के पास नहीं होता तो आज वो बड़े राजनेता नहीं बनते। नेटवर्क अगर कांग्रेस के पास नहीं होता तो वो आज उस लेवल, कितनी भी बड़ी फ्लोवर्स अमिताभ बच्चन, उनके पास नेटवर्क, लोगों की एक लंबी चेन, अगर इन लोगों के पास नहीं होती तो ये आज उस लेवल पे नहीं होते दोस्तों। जिनके पास नेटवर्क है, लोगों का है जुड़ना, चेन है, उनका आज की डेट में बिजनेस लंबा है दोस्तों। नेटवर्क ऐसी चीज़ है दोस्तों, एक सर्किल होता है। सांवलिया कंपनी हमने जब स्टार्ट की थी दोस्तों, एक 10x8 की दुकान से हमने चालू की थी। आज 18,000 स्क्वायर फीट जगह पे बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? नेटवर्क, दो आदमी ने मिलकर स्टार्ट की थी दोस्तों, आज यहाँ पर कहने का मतलब 70 से 75 आदमी काम कर रहे हैं, प्लस जो हमारे से जुड़े हुए हैं नेटवर्क में, वर्क की मशीनों पे, मिलों में फलाना, ऐसे करके सांवलिया सिल्क मिल्स आज 1500 लोगों को सूरत में रोजगार दे रही है। यानी ये एक नेटवर्क ही है। हमने, मैंने नहीं, ये सर्किल ने, इसने, लोगों ने मिलकर सांवलिया कंपनी को बनाया। ये बगैर नेटवर्क के नहीं चल सकती है दोस्तों। कोई भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की बगैर नेटवर्क के, बगैर चेन के नहीं चलती है दोस्तों। लोगों का सर्किल होता है, लोगों को जुड़ा होता है। आप भी अपनी एक दुकान, एक आम आदमी चालू करना चाहता है दोस्तों, तो उसके लिए नेटवर्क होना जरूरी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, फोन में नेट नहीं है तो पापा भी दूर है, मम्मी भी दूर है, भैया भी दूर है, भाभी भी दूर है, परिवार भी दूर है, और नेट चालू है तो सब नज़दीक है। यानी कहने का मतलब वही नेटवर्क का खेल है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों, दो तीन में उदाहरण भी दूंगा आपको कि नेटवर्क का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। जितना बड़ा सर्किल होता है, जैसे हम यूट्यूब के मार्फत आए, आपसे मिले, इससे हज़ारों लोगों का मुझे पिछले 3-4 सालों में नया एक्सपीरियंस जुड़ा। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, जाना। हम तो बिजनेस ऑफलाइन ही कर रहे थे दोस्तों, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस से भी हमें पता चला कि इस टाइप की दुनिया भी हमारे साथ नए लोग जुड़ सकते हैं, तो हम आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। ये नेटवर्क ही है दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार ही है कि मैं हर फ्राइडे को आपके साथ आता हूँ। इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए आता हूँ दोस्तों, आपका व्यापार बढ़ाने के लिए आता हूँ दोस्तों। हमारा कहने का मतलब, सांवलिया कंपनी जो चल रही है इस नेटवर्क की वजह से, क्योंकि एक के साथ अच्छा किया, दूसरा जाके तीसरे को बेचता है, तीसरे के साथ अच्छा किया, चौथे को बेचता है, ऐसे जुड़ते रहते हैं सांवलिया कंपनी में ग्राहक। तभी तो दोस्तों 8x8 से 18,000 स्क्वायर फीट पर आज सांवलिया कंपनी काम कर रही है। उसका मकसद क्या दोस्तों? कहने का मतलब है, ग्राहक से अच्छा मेंटेन कीजिए। जितना आपका बड़ा सर्किल होगा, आज मैं उन लेडीजों से बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं बींद का बाप बनती है, मैं उन लेडीजों को भी, उन जेंट्स को भी बात करना चाह रहा हूँ जो
बींद के बाप बन के घूमते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारे एक मारवाड़ी में लैंग्वेज है दोस्तों, यानी मैं उनको रेपुटेशन वाला मानता हूँ। जैसे लोग होते हैं, एक मोहल्ले में एक लेडीज होती है जिनको सुनार की दुकान पे जाना है तो उनको लेके जाते हैं, साड़ियाँ परचेजिंग करने जाते हैं तो उनको लेके जाते हैं। किनको ले जाना है? फलानी जी को ले जाओ। किनको ले जाना है? फलानी जी, क्योंकि वो एक्टिव है, उसका नेटवर्क है, तभी तो वो अच्छी परचेजिंग करके आपको लाके देती है साथ में जाने के बाद। वो नेटवर्क का फर्क पड़ता है दोस्तों। नेटवर्क ऐसी चीज़ है, आप गाँव देहात कहीं पर भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपने अपने गाँव की सुनार की दुकान देखी होगी, उसका भी एक नेटवर्क है, सुनार का भी एक नेटवर्क है। आपने गांव में कपड़े की दुकान देखी होगी जिससे लोग जत्थे के जत्थे ब्याह के कपड़े कटते हैं, उसका भी एक नेटवर्क है। गांव में आपने किराने की दुकान देखी होगी, मरगत मौत शादी ब्याह कुछ भी हो वहीं से जाके सामान लाते हैं, क्यों? अरे यार वो सलीम भाई की रेट ठीक है, क्या उस फलाने जी की रेट ठीक है, उसका नेटवर्क है। रेट ठीक तो बाद का मैटर है दोस्तों। सूरत में लाखों दुकान है, सब एक ही रेट पे ही माल बेचते हैं, क्वालिटी या डिजाइन अलग अलग होती है, उनका नेटवर्क है दोस्तों, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, ऐसे आपको बनाना है दोस्तों। ये नेटवर्क ही है कि उस सुनार के पास काम चल रहा है, उस कपड़े वाले के पास काम चल रहा है, उस किराने वाले के पास काम चल रहा है, उस सीमेंट की दुकान वाले के पास काम चल रहा है। आप हजारों चीजें उठा के ले लो, चप्पल की दुकान वाले का भी नेटवर्क से ही काम चल रहा है, यार फलानी चीज अच्छी रखता है, ये नेटवर्क ही है। अब इस वीडियो पे मैं आगे बताने वाला हूँ बनता कैसे है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। ये नेटवर्क ही है, ये सर्किल ही है, कितने लोगों से आप सर्किल में जुड़ सकते हो, कोई भी काम करते हो ना दोस्तों, हर एक बंदे तक पहुंचना है। हिंदुस्तान में मेरी एक इच्छा है कि मैं कोई हिंदुस्तान में कोई कोना नहीं छोड़ू जहां पे मैं नहीं पहुंच सकता। मैं आज ऑल इंडिया व्यापार कर रहा हूँ, बाहर कंट्री व्यापार कर रहा हूँ, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी है दोस्तों, ये नेटवर्क ही तो है। अगर आप अच्छा करते हो, किसी के साथ बेटर काम कर सकते हो, तो क्यों नहीं जुड़ सकते? हम छाती ठोक के बोल सकते हैं हम हर एक से जुड़ सकते हैं। जब हम सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप भी अपने गांव देहात में बैठे हो, ईमानदारी से जेन्युइन तरीके से काम कीजिए और अपना नेटवर्क बढ़ाइए, क्योंकि नेटवर्क जिसके पास है उसका 2021 है दोस्तों, ये मान के चलिए। जिसके पास नेटवर्क नहीं है, सर्किल नहीं है, वो बिजनेस आज की इस 21वीं सदी में नहीं कर पाएगा दोस्तों। नेटवर्क की इस 21वीं सदी में बहुत बड़ी अहमियत है दोस्तों, क्योंकि जिसके पास नेटवर्क नहीं है, सर्किल नहीं है, व्यापार करना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है दोस्तों। कारण उसका दोस्तों, क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन है, जो भी आप आज का ग्राहक है, उसको सर्विस चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क में जिसके पास सर्किल होती है वो व्यापार करता है बेटर। आपने कई दुकानदारों को देखा होगा, सामने वाले के पास फुल भीड़ पड़ रही है, एक सामने वाला उससे बेटर क्वालिटी लेके बैठा है शांति से, उसका नेटवर्क सर्किल अच्छा है। नेटवर्क सर्किल बनता कैसे वो भी चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो पे। लेकिन नेटवर्क जो बनता है ना दोस्तों, वो बनता है आपके व्यवहार से। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपके पास देने के लिए क्या है? कपड़ा है वो तो है, एक मुस्कुराहट भी तो है, वो भी दे दीजिए दोस्तों। ग्राहक आता है तो क्या लगता है? भगवान ने फ्री ऑफ चार्ज दी अपने को, अच्छा बोल लीजिए। भगवान ने लैंग्वेज दी अपने को, बात करने का हुनर दिया, अपने माँ बाप ने अपने को पढ़ाया, अच्छा अच्छा बात कर सकते हैं दोस्तों। 99% दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलो, बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है, 99% जो आप बेच रहे हो वो बाद में दिखेगा, वो आपने क्वालिटी गलत बेची अच्छी बेची वो एक अलग कहानी है दोस्तों। 99% आपके व्यवहार से ग्राहक आता है, 99% वो नेटवर्क सर्किल जब बनता है दोस्तों, जब तीन चीज़ें छोड़नी पड़ती है। नेटवर्क सर्किल जब बनता है दोस्तों, जब कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कई लगानी पड़ती है। हम पहला शब्द दोस्तों, हमसे शुरुआत कीजिए। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ना, टीम वर्क, हमने इस सांवलिया कंपनी को बनाया, हम सब, मैं हटा दीजिए, आप लागू कर दीजिए, आप हो तो सब कुछ है। मैं रेगुलर वीडियो पे ही बोलता हूँ, मेरे ग्राहक हैं, फ्राइडे क्यों आते हैं आप दोस्तों। ये तीन शब्द हैं, ये तीनों शब्दों को कहाँ जोड़ना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन तीन शब्दों का चयन आपने अपने जीवन में सही से कर लिया ना, तो आपका इमेज, नेटवर्क, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये जितने ही बड़े मैं आपको राजनीतिक हस्तियों के ये चीज़ों की बातें की है ना, इनके तीन शब्द बहुत बड़े हैं।
ये पूरे दिन अपने जीवन में वो चीज़ यूज करते हैं। दोस्तों ये तीन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपका नेटवर्क बनता है। सामने वाला बैठा है आपके पास तो आप सर आप हो तो बेटर है, आप आए हो मेरी दुकान पे तो आप क्या, क्योंकि आप आए हो तब मेरा माल बिका है। यानी ये आप शब्द कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है। ये तीन शब्दों का चयन अपने जीवन में लागू कर देते हो, आपकी धंधे की लाइन चेंज हो जाएगी, आपकी जीवन का नज़रिया चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाला समय दोस्तों नेटवर्क का होता है, और नेटवर्क में मैंने आपको चीज़ें बताई कि नेटवर्क बनता कैसे है। मैं आज भी हज़ारों लोगों के नाम याद है मुझे, हज़ारों कस्टमर के, ये नेटवर्क ही तो है और क्या है। मैं आज की डेट में हज़ारों लोगों को नाम से बुलाता हूँ, ये नेटवर्क है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा पूरे गांव देहात में नेटवर्क बनाते कैसे हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास, मैंने शायद मुझे याद आया, मैंने आगे कोई वीडियो पे बताया भी होगा लेकिन इस वीडियो पे बता देता हूँ। एक मेरे हरियाणा साइड के कस्टमर हैं, वो कैसे नेटवर्क बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, दो ही मिनट का टॉपिक है, आप सुनना ज़रूर। वो बंदे ने आज के 3-4 साल पहले काम स्टार्ट किया था तो उसके पास कोई नेटवर्क नहीं था। जब उसने इस बिज़नेस को समझा, अब देखो ये चीज़ दोस्तों मैंने उससे सीखी और आप लोगों के सामने आज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों उस बंदे ने क्या किया, गांव देहात का आदमी, उसने अपनी दुकान चालू की थी वहाँ पर सलवार सूट की, साड़ियाँ, धीरे धीरे वो सब कुछ रखने लग गया। उसने अपना नेटवर्क सर्किल कैसे बनाया दोस्तों, वो गांव का ब्योंड देसी आदमी, उसने मेरे साथ कम से कम 2-3 घंटे बिताए थे तब मैंने उसको पूरा समझा था। तो शायद उसकी कोई चीज़, देखो दोस्तों मैं बताऊँ वो चीज़ें नहीं, आपके मन में भी कई चीज़ें चल रही होगी कि मुझे मेरा ऐसा सर्किल बनाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 आपकी सोच में मेरी में हो सकता है, लेकिन करना है दोस्तों, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। दोस्तों उस आदमी ने क्या किया, बोला अजीत भाई मैं जब शुरू में दुकान किया ना तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर मैंने रिलेशन मेंटेन करना चालू किया। मैंने कहा वो कैसे, बोले अजीत भाई किसी के घर में शादी है, मैं वहाँ पर मेरा व्यवहार जमाना चालू कर देता कि मुझे पता है इस घर में 2 महीने बाद ब्याह है, मैं आना जाना राम राम सब चालू कर देता। अगर किसी के घर में काम पड़ गया मैं मेरी दुकान का शटर 2 मिनट में नीचे किया चला जाता था, ये सीख गया। ये होता है नेटवर्क, इससे बनता है दोस्तों। जो धंधा आप इमोशनल में सामने वाले के समय पे काम आ जाओ वो काम दे देते हो तो वो मैं उस चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। वो बोलता है अजीत भाई एक भी दाग मरगत मौत मैं नहीं छोड़ता हूँ, गांव में आजू बाजू में डाणियों में देहात में छोटे छोटे गांव के विलेज के ग्राहक भी आते हैं मेरे पास, मैं उनके मरण मौत शादी ब्याह मेरे घर में 51 रुपये की है स्थिति में 51 भर के आता हूँ, लेकिन जाके आता हूँ उनके काम में, हर काम में स्वामनी है, कुछ भी काम है मैं छोड़ता नहीं हूँ मैं रिलेशन। जब से ये काम मैंने अजीत भाई 2.5 साल से चालू किया मेरा धंधा 5 गुना हो गया, आप सोचो, क्योंकि वो उसके दुख सुख हर चीज में जाने लगा, ये तो मेरा क्लाइंट है मैं इसके नहीं जाऊंगा तो किसके जाऊंगा। भैया सबसे बड़ा चीज ही वही है, या आप अपने व्यापारी के काम नहीं आओगे तो मैं बोलता हूँ किसी के काम नहीं आ सकता। आज अगर मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मेरा एक्सपीरियंस मेरे उन व्यापारियों के जो 1.5 लाख लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं अगर उनके काम नहीं आ सकता है मेरा एक्सपीरियंस तो मैं उसको 0 मानता हूँ दोस्तों। अगर मेरी एक बात सुन के अगर एक बंदा भी खड़ा होता ना हिंदुस्तान में तो मेरा वीडियो जब तक फ्राइडे को आता रहेगा। मेरी ये सोच है, मैं नहीं मानता कि मुझे इससे हजारों करोड़ का व्यापार मिलेगा, नहीं, मेरा वीडियो देख के लोग हजारों लोग दूसरी जगह से भी व्यापार करते हैं, तीसरा काम भी करते हैं, मुझे खुशी है यहाँ बैठे बैठे को कि उस बंदे ने एक चप्पल की दुकान लगाई मेरी वीडियो देख के, मुझे खुशी है दोस्तों। उसने एक मिठाई की दुकान खोली लेकिन मेरे वीडियो से सीखा, मुझे खुशी है दोस्तों, उतनी खुशी है, उससे ज़्यादा खुशी है जितना मेरे यहाँ से जुड़ के। दोस्तों अगर मेरे में ये 20 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, मुझे मेरे व्यापारी के काम लग रहा है, मैं यही सोच के व्यापार करता हूँ दोस्तों। आज वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन दोस्तों मेरा मकसद नेक इरादे हैं, आपको हर एक सजेशन देने का है दोस्तों। ऐसे ही फ्राइडे को मैं मिलता रहूँगा दोस्तों। उस बंदे ने उस टाइप से मैंने उससे सीखा कि रिलेशन मेंटेन कैसा होता है, और 21वीं सदी में ये नेटवर्क ही है दोस्तों जो काम आने वाला है।
एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ, वीडियो तो बड़ा होगा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सांवलिया कंपनी मैंने चालू की थी, जब से लेकर आज 17-18-19 साल के आसपास हो गए दोस्तों। इस समय पीरियड में आपको बता एक ताजुब की बात बताता हूँ, नेटवर्क मेरे पास आज 55,000 लोगों के नंबर हैं। कितने आप बड़ा ताजुब करोगे दोस्तों, 55,000 लोगों का बायोडेटा है जो हमारे से किंतु परंतु कैसे भी सूट कुर्ती ड्रेस वर्क कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। उसमें 5,000 का ग्राहक भी है, 5,00,000 का ग्राहक भी है दोस्तों। अगर मेरा जैसा बंदा अगर 10 साल बाद में मुझे ये कंपनी मेरे को अदर किसी को सौंपनी है तो मैं उसको ये डेटा दूंगी, इस टाइप के व्यापारी हैं, इनको ये कपड़ा जाता है, ये प्रिंट कॉटन का व्यापारी है, ये साड़ी का व्यापारी है, प्रिंटेड साड़ियाँ लेता है, अगर बेटा तू इसको अच्छे से इस टाइप से हैंडलिंग करेगा तो ये व्यापारी तेरे से जुड़ा रहेगा। वो डेटा दूता हूँ ना दोस्तों तो भी मुझे 20-25 लाख रुपये वो बंदा देगा, 55,000 लोगों का, कि भाई ये ऐसे ऐसे व्यापारी हैं इनसे तू जुड़ के, मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ अजीत भाई, तो तेरे को बेटा करना है ये इस टाइप से काम है, ये 4 व्यापारी लहंगे के हैं, ये फलाने हुए हैं, ये सिंगल पीस वाले व्यापारी है, ये होलसेल व्यापारी, इनको अटेंड कर दूँ, अच्छा सा इस टाइप का कलेक्शन दे तो तेरा काम सेट हो जाएगा। वो डेटा का भी पैसा मिलता है दोस्तों। तो अपनी दुकान पे कोई बंदा आता है तो उसका फ़ोन नंबर आप लीजिए, रिटेल काउंटर पर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भविष्य में फ्यूचर में अपने पास रिटेल के कस्टमर होंगे तो बाद में होलसेल के भी होंगे दोस्तों। आप गांव देहात में बैठ के 4 साल बाद में होलसेल का भी सोचिए ना, सोच लंबी होनी चाहिए दोस्तों। जो जमीन पे दौड़ता है ना दोस्तों वही आगे बढ़ता है, ये मान के चलना दोस्तों। एक एरोप्लेन भी दौड़ती है ना, पहले जमीन पे 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है फिर हवा में उड़ती है, ये मान के चलो दोस्तों। तो ये सब चीजें, ये किस चीजों से कहने मतलब कैसे सीखा जा सकता है, हर एक टॉपिक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट पे आपको मैं बात करते हुए हर एक फ्राइडे को मिलता रहूंगा दोस्तों। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का कोरोना काल चल रहा दोस्तों, विशेष तौर से पिछले 10-15 दिन से बहुत डैमेज हो रहे हैं लोग, अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।